मैं आपको अपना जो है घर दिखाती हूँ, खूबसूरत सा, और आप लखनऊ देख के माशाल्लाह जरूर कहना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके दो से रल पाके कर्म से हम भी ठीक हैं। तो अभी और दोपहर का टाइम, आज मैं आप लोगों को पूरे घर का होम टूर दे रही हूँ और आप लोगों ने देख के माशाल्लाह जरूर कहना है। और मैं कितने दिन से सोच रही थी, कि बेटी आज है सामान जो है जो एक्स्ट्रा पड़ा वो जो है उसके अंदर रख लो, उसके बाद आप लोगों को अच्छा सा एक होम टूर दूं, जो मेरी सोच थी। बाकी वो तो नहीं हुआ, और भी सोच थी वो भी रह गई। बहरहाल जो चीजें मैं जो लेती रहूंगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। और आज मैं आप लोगों को पहले अपने घर का होम टूर देती हूँ अपने मेन गेट से। और ये आ जाती है हमारी मेन खिड़की गैलरी की, और ये है हमारा फ्रंट मेन गेट हमारा। और इधर से आप मैं आपको एंट्री करवाती हूँ हम अपने गेट से। और जी ये है हमारा मेन गेट, और ये है दरवाजा हमारे मेन गेट का। और यहाँ पे खिड़की खुली हुई है तो इसको जो है बंद कर देते हैं, ये रोशनी के लिए मैंने खोली हुई है। चले जी, और हो गया अभी अंधेरा माशाल्लाह। तो हम ये अपने मेन गेट से एंटर हुए और यहाँ पे जो है मैंने ये देखे ये ताला चाबी यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे ये देखे हेलो किटी वाला जो है, यहाँ पे बैग वगैरह जो मैं एक्स्ट्रा चीजें जो इसमें रख देती हूँ, शॉपर हो गया कोई चीजें भी, ये देखें बच्चों के जैसे कि मोजे वगैरह जो है मैंने इसमें रख लिए हैं। और ये हमारे मेन गेट का था। और यहाँ मैं अपने घर में जो स्लीपर पहनती हूँ स्लीपर मेरे यहाँ पे पड़े गेट से इंटर होते ही। और यहाँ पे देखिये बड़ा सा जो है मैंने शीशा लगाया हुआ है, ये देखें। और ये माशाल्लाह जो है मेरे घर के साथ जो है बिल्कुल ही मैच कर गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये देखें। आपने देख के माशाल्लाह जरूर कहना है, ये देखें। और उसके बिल्कुल सामने ये देख रेड कलर की चेयर जो है मैंने यहाँ पे रखी है। और रेड कलर की तो मेरे पास टेबल नहीं है, ये जो गोल टेबल आपने मेरे पास देखी थी ये मैंने यहाँ पे जो सेट कर ली है। और देखें माशाल्लाह फिर भी प्यारी लग रही है, आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसी लग रही है। और उसके साथ जो है ये देखें एक गुलदस्ता जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और मैं आपको जो है यहाँ से मेन दरवाजे से आपको दिखाती हूँ अपने घर की छत। और ये देखें जी यहाँ पे ऊपर जो है लाइटिंग हुई हुई है, ये देखें। और ये बल्ब लगा हुआ है और छत की लाइटिंग जो है ना काफी जो है कुछ खराब हुई हुई है। और इसके सामने जैसे कि ये दरवाजे के बिल्कुल ही ये सामने खिड़की है जो मैंने खोली हुई है, कि ये खिड़की जो है मैंने खुद एक साइड पे की हुई है खोल के किसी रोशनी के लिए। और ये देखें सामने ही आ जाती है हमारी मेन किचन, मेन दरवाजा ये, और उसके बिल्कुल इस सामने ये मेन किचन आ जाती है। और यहाँ पे आ जाती है ये हमारी फ्रिज, माशाल्लाह फ्रिज भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फ्रिज के ऊपर जो है मैंने अपने रखे यहाँ पे बुफर, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है भाई ये सॉन्ग वगैरह। और ये मेन जो दीवार है ना येलो कलर की, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे देखे हम लोगों ने घड़ी लगाई है जो मलाइका हुरैन के कमरे में थी, और ये उसके ऊपर जो लाइट जो है हमारी खराब हुई हुई है। और ये देखिए ये लाइट जो है ठीक है, और ऊपर की भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा काफी सारी लाइटें जो खराब है काफी सारी। और मतलब ये देखिए एक दो तीन, तीन चार जल रही, तीन चार जो है खराब है। अच्छा जी ये हो गया, आपको दिखाया मेन दरवाजे जहां मैं खड़ी हूँ आपको दिखा रही हूँ, ये है मेन। और ये देखिए माशाल्लाह सेम जो है इसका बहुत ही बड़ा है, और इस पे जो टोटल मार्बल जो लगी हुई है ना वाइट लगी हुई है। और कल भी कमेंट आया था कि वाइट मार्बल जहर सी बात है, मेला बहुत ही होता है, सफाई करने की भी टेंशन होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बहुत ही मुझे टेंशन होती है, दिन में दो से तीन बार जो है मैं इस सेम में सफाई करती हूँ। ये एक बच्चों की कारपेट जो मैंने इसलिए इधर लगा दी क्योंकि हुजैफा जो है दिन को ठंडे फर्श पे बैठता है। एक्स्ट्रा कुशन जो है मैंने पहले पेटी में रखे थे और अब जो है मैंने सामने रख दिए हैं, ये देखें जी। और इस कमरे की जो है ये वाली सामने वाली खिड़की है, और इस कमरे की तो नहीं है उस साइड से जो है आप लोगों को पता बंद है। और ये देखें माशाल्लाह कैसे प्यारा लग रहा है। हमारा कमरा जो है ये हो गया और बच्चों का सामने वाला कमरा हो गया। और मसला ये है ना कि पर्दे ना भी लगाऊं तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये घर फिर भी खूबसूरत लगता है। और मैं कह रही हूँ कि इस कमरे को भी मैं पर्दे लगा लूँ, फिलहाल तो गुंजाइश नहीं है, फिर आस्ता आस्ता जो है सेटिंग करती रहूंगी। और फिर आर्जी तौर पर जो मैंने बच्चों के कमरों में देखे पर्दा लगा दिया, तो अभी चलते हैं मैं अपने कमरा आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने पहले भी देखा है, अब भी दिखा देती हूँ आपको फिर से। तो चलते हैं जी अपने कमरे में। और ये देखिए जी ये मेन दरवाजा है हमारे कमरे का,
और बिल्कुल ही सामने आ जाती है हमारी ड्रेसिंग। ये देखें माशाल्लाह, ये ड्रेसिंग आ जाती है, उसके साथ जो है हमारी अलमारी आ जाती है। और यहाँ पे देखें ये खिड़की, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, ये देखिए खिड़की मैंने खोली हुई है और अब इसको जो मैं बंद करती हूँ, तो ये देखें जी खिड़की जो है मैंने बंद कर दी है। रोशनी के लिए खोली थी क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी, तो मैं काम कर रही थी तो मैंने कहा चलो खिड़की को खोल लेते हैं। और ये अक्सर जो है मैं बंद रखती हूँ, तो आप लोगों को पता वैसे भी सर्दियां हैं। और यहाँ पे देखें जो बिल्कुल ही सामने मैंने यहाँ पे रख दिया अपना सोफा सेट छोटा। और यहाँ पे आ जाती है हमारी टच मशरूम, आपको थोड़ी सी दिखा देती। और ये देखिए जी हमारी वाशरूम, और यहाँ पे जो टच वाशरूम जो बिल्कुल ही मार्बल है इस पे लगा हुआ, टोटल मार्बल है इस पे, ये देखें। तो अब इसको बंद कर देती हूँ, टोटल इधर मार्बल है। और बच्चों के वाशरूम भी टच ऐसे ही है, सेम टू सेम मार्बल लगा हुआ है। और कोई नहीं कह सकता कि ये बच्चों का कमरा है ये बड़ों का कमरा है, असल में मैं खुद भी बच्ची हूँ, मुझे भी बच्चों वाले शौक बहुत ज्यादा है। इसलिए तो आप लोगों ने देखा होगा मलाइका और उनके पास जो चीजें हैं वो मेरी वजह से मेरा भी शौक पूरा हो जाता है, मेरे अंदर जो बचपन है वो भी पूरा हो जाता है। और मेरा रूम भी ऐसे जैसे बच्चों का ही है, ये बच्चों का ही मैन सारी चीजें। लोगों ने चैनल में देखा होगा कि मेरे पास फर्नीचर था, वो तो मैंने सेल कर दिया किसी मजबूरी से, तो मेरे रूम का जो है ये फिलहाल आर्जी तौर पर फर्नीचर बना हुआ है। अल्लाह वक्त दे इंशाल्लाह, आप बहन भाइयों की सपोर्ट से इंशाल्लाह जब मैं लूंगी तो ये वाला सेट जो सारा बच्चों के कमरे में शिफ्ट कर दूंगी। बच्चे फिलहाल जो है ना बच्चों के रूम में रख भी दूं तो फिर मेरा रूम जो है खाली हो जाएगा। मेरे रूम में तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, ना बेड है ना अलमारी है। तो फिलहाल हम लोगों ने जो है ये अलमारी अपनी बनाई हुई है, बच्चों की नहीं। बच्चों की जो है मैंने अलग से बास्केट में जो है उनके कपड़े रखे हुए, इसमें जो है सिर्फ बच्चों की वैसे चीजें रखी, कपड़े नहीं है इसमें बच्चों के। बच्चों के सिर्फ इस वाले बैग में जो है बच्चों के कपड़े रखे हुए। तो वैसे तो मिलजुल के ही है, मेरा भी है और बच्चों का भी है। और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीजें बच्चों वाली, यकीन करें सब यही कहते हैं कि आपने पूरे घर को जो है कार्टूनों से ही भर दिया है, पता नहीं लगता कि बच्चों का रूम कौन सा है बड़ों का कौन सा है। तो इंशाल्लाह मैं जब अपना जो है फर्नीचर लूंगी फिर आप मेरा रूम देखिएगा, फिलहाल तो समझें कि मेरा बचपन का जो है शौक पूरा हो रहा है, यूं समझ लें। तो चलते चलते जो है मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, अब आप कहते होंगे वो भी बच्चों का रूम ये भी बच्चों का रूम, तो देख लें। तो फिलहाल तो बच्चों का रूम मैंने कैसे डिसाइड किया आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी ये है बच्चों का रूम, और मैंने जो है बच्चों के रूम में ये देखे पर्दा भी लगा रखा है। तो इंटर होते अपने बच्चों के रूम में, यहाँ पे देखें मेरे बेटे के जो हैं सेफा के शूज पड़े पिंक कलर के। और यहाँ पे देखें जी ये सेफ्टी के लिए जो यहाँ पे मैंने चेपी लगाई है, क्योंकि हुज़ैफ़ा जो कल भी लगा हुआ था इसके साथ तो मुझे डर लग रहा था खुदा ना खास्ता करंट ना लग जाए। एलडी का जो है रिमोट वगैरह रख लेती हूँ। और ये देखें जी अभी जो है स्विच लगा हुआ है, हुज़ैफ़ा जो कार्टून देख रहा था और अभी सो गया। तो अभी जो है मैंने ये देखें कपड़ा भी सेट नहीं किया। ये देखें टप में जो बच्चों के टॉयज पड़े हैं, ये बास्केट पड़ी है बच्चों की कपड़ों की। और ये देखें ये सामान जो पड़ा हुआ ना ये पेटी का है, तो ये एक्स्ट्रा सामान जो है ये सारा पेटी में जाएगा। ये शाम में बच्चों की जरूरत के कपड़े हैं जो पहनते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने ये देखें जर्सियां वगैरह बच्चों की जो इस टोकरी में रखी हुई है, और वॉशिंग मशीन भी यहीं पे कमरे में फिलहाल खड़ी करी। फिलहाल जब इस कमरे में आ जाएगी पेटी ना, तो फिर इसकी सेटिंग देखूंगी कि कमरे में रखनी है कि नहीं रखनी है, फिर तो ये बाद में डिसाइड होगा, फिलहाल तो मैंने यहीं पे रख दी है। ये देखें ये है अटैच वाशरूम, सेम टू सेम वैसे ही है जैसे उस रूम में है। और यहाँ पे जो है बच्चों के कमरे में भी घड़ी मैंने लगाई हुई है। और ये देखें जी यहाँ पे जो है मैंने ये जाली लगा के जो बच्चों के टॉयज ऊपर रखे हुए हैं, और ये भी बच्चों का ही है। इसमें जो है कुछ छोटी मोटी जो भी चीजें होती हैं इसमें रखने के लिए, ये तो बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे आ गई टेबल और चेयर, और यहाँ पे जो है बच्चों की चारपाई। हुज़ैफ़ा भी झूले में सोया हुआ है, और ये आप लोगों को पता है मलाइका और इनकी फेवरेट कैटेगरी है, और इनकी चादर और पूरा सेट मैंने ये जो है सेट किया हुआ है। एक चेयर यहाँ पर इस टेबल के साथ ही, एक चेयर यहाँ पर। ये सेटिंग जो बच्चों की रूम की हो गई है। और ये जी है इस रूम का रोशनदान, रोशनदान जो सेम टू सेम उस कमरे में भी ऐसे ही है। और आपको ये दिखा दूं बच्चों के कमरे में जो है मैंने यहाँ पे लगा दिए जूतों का स्टैंड। ये देखें जी जो बच्चों के जूते पहनने के नहीं हैं तो वो मैंने यहाँ पे जो है इसमें सेट कर लिए हैं। ये अच्छा ही लग रहा है बच्चों के कमरे में स्टैंड, के बच्चे जो एक्स्ट्रा जूते अपने खुद ही ला के यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे जो पर्दा सेट कर लेती हूँ, ये देखिए ये दो रोशनदान है, ये देखें
तो इनको बंद किया हुआ इसलिए कि मच्छरों की वजह से, और वैसे तो हमारा घर बंद है माशाल्लाह, मच्छर नहीं आते। तो ये हो गया बच्चों का रूम, आप लोग देखें अब सेटिंग कैसी लग रही है ये देखें। तो ये माशाल्लाह कैटेगरी बच्चों की बहुत ही फेवरेट है, और ये रूम पहले मैंने सोचा था हम रख लें और ये बच्चों को देते, पर सलीम ने कहा नहीं ये बच्चों को देंगे ये हम रखेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये था मेरे घर का होम टूर, और आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। और पहले भी आप लोगों को ये घर पसंद आया, आप लोगों ने दुआएं दी हैं मुझे, और मुझे इस तरह लगा कि जैसे मेरा अपना जाती घर है। जाहिर सी बात है इंसान कहीं भी रहता है अपना घर समझ के ही रहता है। यकीन करें मैं सोच रही थी कि जब मेरा अपना जाती घर होगा मुझे जब कमेंट बॉक्स में सब मुबारकबाद देंगे मेरे बहन भाई, और मुझे यकीन करें बहुत खुशी होगी बहुत उस दिन, और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की इतने प्यार से और इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे यकीन करें दिल से खुशी होती है। इस तरह लगते हैं आप लोग मेरे साथ जैसे जुड़े हुए मेरी फैमिली की तरह, इसी तरह ही जुड़े रहिएगा। करूँगी आगे भी आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो का भी यहीं भी करती हूँ, एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।